रहमत वाला महीना, बरकत वाला महीना रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान के लिए तैयारी करें। जैसे हम अपने घरों को साफ करते हैं, कमरों को साफ करते हैं, इसी तरह रमज़ान के लिए भी अपने दिल की सफाई करें। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को साफ करें। हमारे दिल के अंदर किसी के बारे हसद ना हो, बुगज ना हो, कीना ना हो, अदावत ना हो, नफरत ना हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम ला यनफअ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। कयामत वाले दिन किसी बंदे का माल, रुपया, पैसा, औलाद, नस्ल काम नहीं आएगी। काम आएगा तो पाक साफ दिल काम आएगा। जिस दिल के अंदर सफाई होगी, जो दिल हर तरह के हसद से, बुगज से, कीने से, अदावत से, नफरत से, कपट से, आपस की बाहमी चपकलश से पाक होगा, साफ होगा, वही इंसान, वही दिल कयामत वाले दिन काम आएगा। तो रमज़ान के लिए अपने दिलों को साफ कर लें, नफरतें ख़त्म कर दें। जिनकी किसी रिश्तेदार से, सगे भाई से लड़ाई है, वो अपने भाई से सुलह कर लें, अपने दिल को पाक कर लें। क्योंकि इस रमज़ान के अंदर हमने अपने अल्लाह ताला को मनाना है, खूब नेकियाँ करनी है, तो नेकियाँ इसी सूरत के अंदर कबूल होंगी अगर हमारी हर इंसान से सुलह होगी, किसी से कोई लड़ाई ना होगी।